हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बन रही है मसाले वाले आलू जो काफी अच्छे बनते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, 100% आपको पसंद आ जाएंगे। और उसके बाद आप सोचोगे ना कि आप फिर कब बनाएं। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो कमेंट में बताइएगा, लाइक करना नहीं भूलना, चैनल पर नए तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेगा। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ चार बड़े आलू लिए जिसको छोटा छोटा काट लिया है। छोटे का मतलब ये नहीं कि छोटा मुन्नू मुन्नू सा, नहीं मतलब जैसे कि ये दिख रहा है। और एक छोटी प्याज ली है, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून धनिया और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से लेना है, वो सब इसमें ऐड कर देना है। थोड़ा सा पानी यानी कि 1/2 ग्लास के करीब इसमें डालना है, बहुत ज्यादा नहीं, ना लहसुन अदरक का पेस्ट, बाकी कोई मसाला नहीं, बस इतना ही। और एक मीडियम साइज का चम्मच कुकिंग ऑयल, सबको अच्छे से मिक्स कर ले और हाई फ्लेम पर फटाफट से इसको बस कुक करें। और बाद में करना यह है इसको अच्छे से एकदम बढ़िया से भून लेना है। मसाला एकदम अच्छे से आलू का ही बन जाएगा, मतलब ये नहीं कि प्याज डालेंगे बहुत ज्यादा तब होगा। अगर ज्यादा इसमें प्याज डाल देते हैं तो वो मीठे हो जाते हैं आलू, और कौन ज्यादा है कि मीठे आलू खाए, भाई यहाँ टेस्टी आलू बनाए जा रहे हैं। तो करना ये है, आलू जब गलना शुरू हो जाए, मसाला बनने लगे, ऑयल सेपरेट दिखने लगे, तो उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे जैसे कि मैं कर रही हूँ ना, चम्मच की हेल्प से तोड़ दो। अब सारे आलू नहीं तोड़ने, कुछ कुछ आलू जिससे कि मसाला सा बन जाए इस तरह से। और ऑयल देखिए एकदम सेपरेट यानी अलग दिखने लगा है, तब यहाँ अपने हिसाब से पानी डाल दो। और पानी डालने के बाद हाई फ्लेम पर कुक करो। और इसमें अगर हल्की सी भी कसर है कि कच्चे आलू भी गले नहीं है, तो थोड़ा मीडियम फ्लेम पर रख दो, वरना इसको हाई फ्लेम पर कुक करो। पानी को उसका सुखाओ, हल्का हल्का रहने दो और बाद में गार्निश कर दो फ्रेश कटे हुए हरा धनिया से। बस बनकर तैयार है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।